बीते दिनों नवरात्र का उत्सव मनाया गया और 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद उन्हें शहर के विभिन्न तालाबों में विसर्जित किया गया, परंतु अब तक उन तालाबों की साफ सफाई निगम प्रशासन द्वारा नहीं की गई है, जिससे तालाबों में गंदगी पसरी हुई। नवरात्र का पावन पर्व समाप्त हो चुका है और विभिन्न समितियों द्वारा पंडालों में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान से पूजा की गई। तत्पश्चात प्रतिमा को शहर के विभिन्न तालाबों में विसर्जित कर दिया गया, परंतु अब तक निगम प्रशासन द्वारा इन तालाबों की सफाई नहीं करवाई गई है, जिससे यह तालाब काफी बदहाल नजर आ रहे हैं और तालाब का पानी दूषित भी हो रहा है। इसमें मुख्य बात यह है कि 23 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा और ठीक इसके 6 दिन बाद उत्तर भारतीयों द्वारा उनका मुख्य त्यौहार छठ पूजा मनाया जाएगा। यह छठ पूजा तालाबों के किनारे बेदियां बनाकर की जाती हैं, परंतु तालाबों की मौजूदा स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि निगम प्रशासन दावा कर रहा है कि निगम आयुक्त लगातार तालाबों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और तालाबों की साफ सफाई के प्रति सजगता दिखाते हुए तालाबों की साफ सफाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किए हैं। देखिए, माननीय आयुक्त महोदय ने इसका भी निरीक्षण किया है और तालाब का वो लगातार अपने फील्ड विजिट के दौरान तालाब का जरूर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कैम का तालाब का निरीक्षण किया, बाबा बालकनाथ मंदिर तालाब का निरीक्षण किया, बाकी बहुत जगह जो सफाई की व्यवस्था है वो निश्चित तौर पे कि विसर्जन के बाद में कई जगह जो व्यवस्थाएँ रहती हैं, सफाई का जो जन जागरूकता के अभाव में लोग विसर्जन वहाँ पे कर देते हैं, पूजन सामग्री का कर देते हैं जो कि एक कुंड में करना चाहिए, अलग पृथक रूप से करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से जो सफाई के जो अमले हैं हमारे, वो लगातार इसमें सफाई का काम कर रहे हैं और तालाबों में व्यवस्था बनाने के प्रयास कर रहे हैं। निगम प्रशासन को तालाबों की साफ सफाई की ओर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जितनी जल्दी इन तालाबों की साफ सफाई हो पाएगी उतनी ही जल्दी तालाबों का पानी भी स्वच्छ और निर्मल हो पाएगा, जिसमें उत्तर भारतीय अपना प्रमुख त्यौहार छठ पूजा बगैर किसी परेशानी के कर पाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।